हमारे का भी छक्का करे कोई शोही तो हम तोड़े गिले का। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आइए आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से मुकम्मल शेड्यूल बताते हैं, लेकिन आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर इनेबल कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 20 फरवरी 2020 को कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच पिशावर जलमी बामुकाबला कराची किंग 21 फरवरी 2020 को नेशनल स्टेडियम कराची में दो दो हाथ करेंगे। मैच नंबर 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर 21 फरवरी 2020 को लाहौर कजाफी स्टेडियम में एक दूसरे से पंजा लड़ाएंगे। चौथे मैच की बात करें तो पिशावर जलमी बामुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर 22 फरवरी 2020 को कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होगी। मैच नंबर 5 की बात करें तो 22 फरवरी 2020 को मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद से पंजा लड़ाएगा लाहौर स्टेडियम में। इसके बाद अगर हम बात करें मैच नंबर 6 की तो 23 फरवरी 2020 को क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान टक्कर होगी नेशनल स्टेडियम कराची में। अगर बात करें मैच नंबर 7 की तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 23 फरवरी 2020 को लाहौर कजाफी स्टेडियम में एक दूसरे के साथ पंजा लड़ाएंगे। मैच नंबर 8 की बात करें तो मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबला आएगी पिशावर जलमी के। 26 फरवरी 2020 को ये मैच मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद अगर बात करें मैच नंबर 9 की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर के मध्य मुकाबले होगी 27 फरवरी को। ये मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 10 की बात करें तो ये मैच मुल्तान सुल्तान बामुकाबला कराची किंग 28 फरवरी 2020 को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 11 की अगर बात करें तो ये मैच लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी के दरमियान 28 फरवरी 2020 को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 12 मैच की बात करें तो 29 फरवरी 2020 को मुल्तान सुल्तान दो दो हाथ करेगी क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। ये मैच मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 13 की बात करें तो ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पिशावर जलमी 29 फरवरी 2020 को रावलपिंडी स्टेडियम में मध्य मुकाबले होंगे। मैच नंबर 14 की बात करें तो यहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड दो दो हाथ करेगी कराची किंग के साथ। ये मैच 1 मार्च 2020 को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। चलें अभी देख लेते हैं मैच नंबर 15। ये मैच पिशावर जलमी बामुकाबला कराची किंग 2 मार्च 2020 को रावलपिंडी में दो दो हाथ करेंगी। मैच नंबर 16 की बात करें तो ये मैच लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान 3 मार्च 2020 को लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। मैच नंबर 17 की बात करें तो ये मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 4 मार्च 2020 को लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मध्य मुकाबले आएंगे। यहां पे बात कर लेते हैं हम मैच नंबर 18 की तो ये क्वेटा ग्लैडिएटर और पिशावर जलमी के दरमियान 5 मार्च 2020 को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।
मैच नंबर 19 की अगर बात की जाए तो ये मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान 6 मार्च 2020 को लाहौर स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। अगर यहीं पे हम 20वें मैच की बात करें तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला पिशावर जलमी मध्य मुकाबले होंगे, 7 मार्च को रावलपिंडी में ये मैच खेला जाएगा। मैच नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये मैच लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान 7 मार्च 2020 को ये मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर 22 मैच की बात करें तो ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 8 मार्च 2020 को मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2-2 हाथ करेंगी। अगर हम बात करें अगले राउंड की तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैच होने वाले हैं। अभी भी 8 और 4 मिला के 12 मैच रहते हैं, तो आप लोगों को 12 मैच की फुल डिटेल भी बता देते हैं। अगर हम बात करें मैच नंबर 23 की तो ये मैच 9 मार्च 2020 को लाहौर कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर और कराची किंग मध्य मुकाबले आएंगी। अब बात कर लेते हैं मैच नंबर 24 की तो ये मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी के दरमियान 10 मार्च 2020 को लाहौर कलंदर लाहौर में खेलेगी ये मैच। मैच नंबर 25 को अगर देखें तो ये मैच भी लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 11 मार्च 2020 को क्वेटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मैच नंबर 26 की बात करें तो ये मैच कराची स्टेडियम में लाहौर कलंदर और कराची किंग के दरमियान खेला जाएगा। 12 मार्च 2020 को दोनों टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। अगर हम मैच नंबर 27 की बात करें तो ये मैच 13 मार्च 2020 को कराची स्टेडियम में खेला जाएगा और मुल्तान सुल्तान पिशावर जलमी के साथ 2-2 हाथ करेगी। तो दोस्तों मैच नंबर 28 इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के दरमियान 14 मार्च 2020 को ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगर बात करें हम मैच नंबर 29 की तो ये मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान 15 मार्च 2020 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीमें एक एक हाथ करेंगी। अगर हम बात कर लें आखिरी मैच की तो ये मैच 15 मार्च 2020 को क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी अगले राउंड के लिए और उनके दरमियान फाइनल मिलाकर टोटल 4 मैच खेले जाएंगे। आइए उनकी डिटेल आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों पहला मैच फर्स्ट क्वालिफाई मैच 17 मार्च 2020 को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगर हम बात करें वहीं पे सेकंड क्वालिफाई मैच की तो ये भी बहुत ही बढ़िया मैच रहने वाला है जो कि लाहौर कजाफी स्टेडियम में सेकंड एलिमेंट्री मैच 18 मार्च 2020 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। अब आखिरी क्वालिफायर मैच लाहौर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच 20 मार्च 2020 को लाहौर स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद 2 टीमों के दरमियान फाइनल मैच होगा। ये मैच 22 मार्च 2020 को शाम के 9 बजे फाइनल मैच होगा और आप इसे लाहौर कजाफी स्टेडियम में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था पीएसएल 2020 का मुकम्मल शेड्यूल।
आप लोग ने कमेंट करके जरूर बताना है पाकिस्तान सुपर लीग 2020 कौन सी टीम जीतेगी। हर किसी ने अपनी फेवरेट टीम का नाम लिखकर नीचे कमेंट में जरूर बताना है। पिशावर जलमी, मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लेडिएटर या इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, आला के हवाले।